प्राइम मिनिस्टर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन फैमिलीज अंधविश्वास। तो ये वीडियो है नॉट योर टाइप की। तो अंधविश्वास मतलब जिनको नहीं पता है तो मैं उनको बता देती हूँ, अंधविश्वास मतलब जो विश्वास मतलब अंधा विश्वास करना किसी के ऊपर या फिर किसी चीज़ के ऊपर अंधा विश्वास, उसे कहते हैं अंधविश्वास। तो इंडियन फैमिलीज अंधविश्वास, तो देखते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसी वीडियो रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो भाई क्या हो गया है, नींबू एक मिर्ची कहाँ चला था? अरे भूत बढ़िया बना दे, नूडल्स करो। अंधविश्वास, देखो मैं इनसे बातों में नहीं मानता। तो एक दिन ऐसे घर पे कांच फूटा मेरे मुंह पे, तो मैं भाग के गया डॉक्टर के पास। उधर वो बोल रहा है देखो आयु, कांच को फूटना अपशगुन होता है, इससे 7 साल तक का बैक लक मिलता है। और यार मेरे स्टेथोस्कोप में अनुज जिन बजाना बंद कर यार, कब आए अब तो सिद्धू मुंह से आना बजा रहा है। नहीं नहीं, ये तो बाजी के दिल की आवाज है। क्या हो गया भाई इसको, क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई ने? अरे मर गया मच्छर बाजी, उनके साथ अब तुम मेरे साथ सोच रहे हो? अरे सॉरी यार, कांच फूटा है सर पे, ऐसी सब चीजें चल रही दिमाग में। चले जाऊंगा बाबा बीसी विशु के पास, तुम इलाज करो यार। अच्छा है आयु, लेकिन सैडली अब बहरा होने के कारण मैं तुम्हारी हार्ट बीट्स नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैंने रेमो को रखा है जो सबकी हार्ट बीट्स मुझे साइन लैंग्वेज में बताएगा। अभी काफी नया लड़का लेकिन जल्दी सीख जाएगा। क्या दिक्कत है रेमो सर इनको ना? वाओ, इसका मतलब इन्हें कैंसर फर्स्ट स्टेज है? नहीं है, अच्छा फोर्थ स्टेज है। अरे तो बेवकूफ को फोर्थ स्टेज के लिए सिखाया था तुम्हें, ये देखो। अब वो लंच ब्रेक के बाद ही वापस आएंगे, तब तक मैं भी एबीसीडी ट्री बना के आ जाता हूँ। चलो स्लो मोशन राघव और गणेश आचार्य। इतने अजीब अपशगुन आ रखे हैं मार्केट में, तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब कोई भी चीज तीन बार नहीं करनी चाहिए। तो मैंने 4 बार पिला दी दादाजी को दवाई, अफकोर्स मर गए वो, लेकिन शुभ तरीके से। इसे रात में ओम बन के पड़े हुए थे बाथरूम में। मुझे एक चीज जानना है, ये कांच फूट जाना, केची चलाना, ये सारे अपशगुन पता कैसे चल रहे हैं? क्योंकि नॉर्मल लाइफ में भी ये चीजें कौन करता है? सोचो ऐसे दो दोस्त खड़े हुए हैं, कल तो ऑफिस की छुट्टी है ब्रो, क्या प्लान्स? यार आज तो बड़ी जोर से चप्पल उल्टी करने का मन कर रहा है यार, मन कर रहा है रात भर कम्बल में सीटियां मारूं और पैरों के नाखून काटूं, फिर एक सुंदर सी नेल पॉलिश लगाऊं ब्रो। मस्त, आखिरी वाला तो अपशगुन भी नहीं था। मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ, बंदियां अपने बंदों पर काला जादू कर रही है, फिर कहीं बंदे अपनी बंदियों को फ्रिज में डाल के अलग कर रहे हैं, फुल मैजिक शो बना के रखा है। अरे ये मैजिक ट्रिक तो मैंने बहुत देखी है, अभी तूने तेरी बंदी को फ्रिज में डाल के अलग कर दिया है, अब तू इसे वापस जोड़ देगा है ना? और छोड़ उसको, क्या मतलब क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल रहा है? मुझे जानते हैं इंडिया में कौन सा हागवाड़ का टीचर है जो सबको काला जादू सिखा रहा है? मंजुलेखा जी, स्वागत है आपका TRS पे। शुक्रिया बच्चे बुलाने के लिए। तो भाई रोस्ट हो गया उनका। वो तो मैं लड़कियों के हिसाब से ही बताता हूँ, कभी 20 कभी 16 कभी 14 और कभी कभी तो वैसे मंजुलिका जी, आप ये काला जादू कब से सिखा रही हैं? तो मंजुलिका जी, सिर्फ हमारे व्यूअर्स के लिए ये काला जादू होता क्या? वाओ, तो ये होता है काला जादू, लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा इससे अच्छा काला जादू मैं कर सकता हूँ। ये देखिए कितना सिंपल है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पैंट क्यों खुल रहा है? अरे अरे अरे, काफी अच्छा लगा मंजुलिका जी आपसे मिलकर। क्या हुआ, शूट चल रहा है? बोला ना वो चुड़ैल है, तुझमें काला जादू कर रही है। वो किसी को गाली भी देता था तो अबे बहुत
गया बेटे, अच्छा ट्राई था। बहन तक तो तुम पहुंच गए थे, लेकिन वो जो लॉ था वो तुम्हारे मुंह में फंसा रह गया। एक सेकंड, क्या नीबू ऐसा बोल रहा था कि भगवान खुद कंफ्यूज हो जाते थे कि साला सच क्या करना है? साला गूंगा बोल कर रहा है, क्या सच करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुनो, इनमें से उंगली पकड़ो। रुको जरा, मैं उन बच्चों को अलग कर रहा हूँ जो अर्थ पर जाकर क्रिमिनल बनने वाले हैं। अरे ये देखो क्रिमिनल। ओ मेरा बच्चा क्रिमिनल बनेगा, नीचे से आके ऐसे करते क्राइम का सब आया। अरे प्लीज तुम उंगली चूज करो ना यार, प्लीज। आई एम सॉरी, आपके बच्चे का गला घोटा हुआ आया है, वो भी पैराशूट के धागे से। एक सेकंड, लगता है अंदर और भी कोई बैठा हुआ है। देखो अंदर जो भी है बाहर निकलो। देखो मैं बस तीन तो गिरूंगा। जैसे अभी रिसेंट आईपीएल में क्वेश्चन आया था कि क्या हैदराबाद मैच जीतेगी, मुझे लगा हाँ तो मैंने यस पे क्लिक करके क्वांटिटी डिसाइडर को बढ़ा दिया। मम्मी पापा को क्या हुआ है, अजीब सी चीजें बोल रहे हैं। तो क्या लगता है इस साल वर्ल्ड कप T20 कौन जीतेगा? अपना ओपिनियन मुफ्त में मत दो, एमपीएल ओपिनियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। बड़ी बुरी बनी है। देखो अगर तुम मानो तो ये नींबू मिर्ची एक शैतान है, और अगर नहीं तो तुम ऐसे नींबू मिर्ची का चकला बनाओगे और पार्टी करके शैतान को हक भी दोगे। कैसे राक्षस लोग हैं, आज हम भी पैसे खाते हैं। आ गए साहब जादे, आज किसी को मार के पाप कमाए, अपने से खा लिया दादा। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर है आपका। यहाँ पे कुएं की शुद्ध 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 चुड़ैल चुड़ैल की मात्रा में डाल। आपका ऑर्डर आया है, ये आपका एक रोस्टेड नवाब, तंदूरी बच्चा, अरे बटरी बच्चा बोला था। अब उसमें मैं क्या करूँ मैडम? और ये डेजर्ट में आपका आइसक्रीम। हाँ ठीक है, उस बाल्टी से नीचे भेज दो। बेटा हम कब से इस कुएं में रह रहे हैं? शर्मा जी की बेटी अन्ना बल्ले को देखा है? 400 मासूमों को मारा है डायल ने। 3 हॉलीवुड पिक्चर कर चुकी है और अब इंडस्ट्री के सबसे सेक्सी सुपरस्टार तात्या बिच्चू को डेट कर रही है। कैसे हो तात्या? मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई थी। ड्रेस खोलो अन्ना भाई। क्या तात्या, यहाँ कोई देख रहे? बोला ना ड्रेस खोलो तो खोलो। सलमान रोमांटिक सीन के बीच भी उन भूतिया डॉलों से खेलना प्लीज बंद करो। और माँ आप यहाँ टेबल बनी हुई हो। हमारी इंडियन मूवीज में भी भूतों को इतना अजीब दिखाते हैं। मैं अमिताभ बच्चन की भूतनाथ देख रहा था, उसमें 3 गाने हैं। ये एक हॉरर मूवी है। पूरी मूवी में मुझे सबसे ज्यादा हॉरर पता है क्या लग रहा था? कि चौथा गाना बच्चे और भूत के बीच में रोमांटिक ना आ जाए, वरना बर्फ में अमिताभ बच्चन से फोन साड़ी पहन के नाच रहा है, पीछे बच्चा भाग के आ रहा है और गाना बज रहा है। बाहर की मूवीज में तुमने भूतों को देखा है क्या क्या करते हैं? और फिर इधर हमारे भूत है जिनको घड़ियां पीछे करने के अलावा कुछ नहीं आता। अरे नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। एक सेकंड, मैं लेट नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, शायद ये घड़ी झूठ बोल रही है, मैं दूसरे में देखता हूँ। यहाँ भी लेट नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये भी झूठ बोल रही है। यहाँ भी लेट नहीं हूँ, यहाँ भी और यहाँ भी। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर जाके देखता हूँ। मुझे पहले से पता था मैं ऑफिस के लिए लेट हूँ। लेट्स गो बेबी। सुन जरा, इधर आना। पीछे 12 घड़ी में मैंने तुझे सेम टाइम दिखाया, तूने नहीं माना, लेकिन तूने ये एक घड़ी देख के मान लिया, तो ये भी तो गलत हो सकती है। अब पागल वागल है क्या? उन 12 घड़ियों में तो सेल ही नहीं था। मैं पागल दिखता हूँ इधर? हेलो, अरे यार वीडियो तो खत्म हो गई। ओपिनियन को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाके इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे अपना ओपिनियन दो। और अब ब्लूपर्स। इंडिया में पता है सबसे बड़ा अपशगुन किसे माना जाता है? काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये सेम चीज बिल्लों में भी ऐसी होती है क्या? ऐसे 2 बिल्ली घूमने जा रहे हैं और एकदम से काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। मोटे ने मैंने पसंद किया, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। अब नहीं, मुझे भी पसंद है। मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमी के साथ था, और मेरी दादी माँ तो 4 काले नंगे आदमी के साथ रहती थी। अरे वो देखो जाग रहा है उधर से, कुछ खिला के जो उसे डंगू डंगू डंगू। क्या कर रहे हो स्वीट? क्या क्या उसे तुम्हारे बैग में खाना? भाई साहब क्या था ये? बड़ा मजेदार था, जो भी था मजा तो बहुत आया, पर अंधविश्वास पता नहीं क्या यार। तो
यह थी बहुत खतरनाक वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, ये पता नहीं क्या लग गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब शेयर, बाय 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 बाय।